हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा जिला के दौरे पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कांगड़ा में जयसिंहपुरा और सुलह विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेत्रु गांव में प्रभावित परिवारों से बातचीत की। नेत्रु गांव में बरसाती आफत से कई मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज तैयार किया है, जिसमें आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। सीएम ने आपदा प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी हर तरह से सहायता करेगी। सीएम ने कहा कि पहले के समय में पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 12,500 रुपए और कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। प्रदेश सरकार ने इस भीषण त्रासदी को देखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया है। बहुत बड़ी त्रासदी कांगड़ा के जयसिंहपुर, हमारे सुला, नगरोटा, बगुआ, बैजनाथ और फतेहपुर, इंदौरा, सब जगह बहुत बड़ी त्रासदी। और जिस तरह से घर उजड़ गए हैं, किस प्रकार एक परिवार ने अपना मेहनत की कमाई से घर बनाया होता है। हिमाचल में एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है और बड़े शांति से अपना जीवन यापन लोग ये करते हैं। इसकी भरपाई कैसे करनी है, इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे कार्य करेगी। और मेरा मानना है कि जिनके घर उजड़े हैं, उनके लिए हमें चाहे कानून में परिवर्तन करना पड़े, हम कानून में परिवर्तन करेंगे और एक एक घर को बसाने का दायित्व हमारी सरकार करेगी। आपने एक देखा कि 48 घंटे के अंदर ये पहली ऐसी आपदा है जो त्रासदी की सबसे बड़ी आपदा है, लेकिन ना पानी की समस्या आई छुटपुट जगह छोड़कर और ना सड़क की यातायात को रोका गया। यही सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। जिस प्रकार की ये त्रासदी है, सरकार ये चाहती है कि स्पेशल पैकेज, रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करे। जिस तर्ज पर केदारनाथ का दर्ज घोषित हुआ, जिस तर्ज पर गुजरात में भुज में घोषित हुआ, और इस प्रकार से इस प्रकार की सहायता अगर उपलब्ध करवाए हमारे सरकार, तो हम अपने इन सब परिवारों को बसाने का दायित्व भी हमारा होगा। और हम अपने खर्चे से तो हमने बसाना ही है। जो भी अभी केंद्र से पैसा आया हो, वो पूरे हिंदुस्तान की सरकारें, जिसकी भी सरकारें हैं, उसका बजट में एलोकेशन होता है। और बजट में एलोकेशन कैसे होता है, जो स्टेट के टैक्सेज होते हैं, इसका एक पार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में जाता है। जैसे जीएसटी कलेक्शन होता है, इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, तो उसका एक पार्ट आपदा राहत, आपदा के लिए रूप में बजट में होता है। उस बजट के तहत हर साल, अभी नहीं है, ये पिछले कई सालों से जुलाई में 180 करोड़ रुपए की किस्त आती है और दिसंबर में 180 करोड़ की किस्त आती है। उन्होंने दिसंबर की 180 करोड़ की किस्त को एडवांस कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 315 करोड़ रुपए का एजी ने ऑब्जेक्शन लगाया था 21-22 का, उसको ऐसे 189 करोड़ हमने उनसे लिया और अभी उनसे 126 करोड़ रुपया और लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।